आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी टीम में। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और आज की क्लास में हम सामान्य हिंदी के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि नवनीत शब्द का समानार्थी निम्नलिखित में से कौन सा होगा। ठीक है, नवनीत शब्द का समानार्थी हमको बताना है कि इनमें से कौन सा होगा। तो ऑप्शन ए है ताजा मक्खन, ऑप्शन बी है नया चांद, ऑप्शन सी है जल और ऑप्शन डी है गृह। तो नवनीत शब्द का समानार्थी निम्नलिखित में से कौन होगा आपको बताना है। तो कौन होगा इसमें, तो इसमें जो ताजा मक्खन है ये क्या है, ये नवनीत का क्या है समानार्थी होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला एक रम्य उपवन था नंद वंशा सुंदर, एक रम्य उपवन था नंद वंशा सुंदर, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ठीक है, हमको बताना है कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, अलंकार बताना है। तो ऑप्शन ए उत्प्रेक्षा, ऑप्शन बी उपमा, ऑप्शन सी है विभावना और ऑप्शन डी है विरोधाभास। तो एक रम्य उपवन था नंदन वंशा सुंदर, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा। तो क्या है कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा, तो इसमें होगा उपमा अलंकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसमें क्या हो रहा है कि इसमें उपवन की रम्यता का की तुलना, जो यहाँ पे उपवन क्या है, उपवन की रम्यता का तुलना किससे किया जा रहा है, तुलना किससे किया जा रहा है, तो स्वर्ग में स्थित क्या है, तो स्वर्ग में स्थित नंदन वन से किया जा रहा है। तो क्या होगा, ये होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा उपमा अलंकार। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है मौसम में आर्द्रता छाई हुई है, रेखांकित शब्द का विलोम शब्द सुनिए। ठीक है, यहाँ पे रेखांकित भूल गया है, मैं इसको रेखांकित बना देता हूँ। यहाँ पे आर्द्रता के नीचे रेखांकित है, तो आर्द्रता का हमको विलोम बताना है कि आर्द्रता का विलोम क्या होगा। तो ऑप्शन ए है आर्द्र, ऑप्शन बी है गीला, ऑप्शन सी है शुष्क और ऑप्शन डी है दलदल। तो आर्द्रता का विलोम क्या होगा, तो आर्द्रता मतलब क्या होता है, नमी होता है, तो इसका विलोम क्या होगा, तो इसका विलोम होगा शुष्क। ठीक है, आर्द्रता मतलब नमी, तो इसका विलोम क्या होगा, शुष्क। अगला क्वेश्चन है कि कत नतत रिजत, रिजत यहाँ पे डैश डैश है, ये भूल गया है रिजत, फिर उसके बाद डैश डैश मिलत मिलत खिलत, खिलत के बाद भी क्या है डैश डैश है। ठीक है, सही शब्दों का चयन करते हुए प्रस्तुत दोहों को पूर्ण कीजिए। ठीक है, हमको इसको पूर्ण करना है। तो ऑप्शन ए खिजत लजियात, ऑप्शन बी खिजत बतियात, ऑप्शन सी है हंसत लजियात और ऑप्शन डी है हंसत खिजत। तो क्या है कि बिहारी जी द्वारा क्या है रचित प्रस्तुत दोहा क्या है इस प्रकार है, उसको क्या है? कैसे होगा, तो वो होगा कहत नटत रिझत, रिझत के बाद क्या है खिझत, रिझत के बाद क्या होगा, तो खिझत होगा और खिझत के बाद मिलत खिलत, खिलत के बाद क्या होगा लजियात। तो इससे कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इससे होगा हमारा खिझत और लजियात, खिझत और लजियात ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं। ठीक है, क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं हमको बताना है। तो ऑप्शन ए तीन, ऑप्शन बी है चार, ऑप्शन सी है छः और ऑप्शन डी है दो। तो क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो क्रिया विशेषण के चार भेद होते हैं। ठीक है, क्रिया विशेषण के चार भेद होते हैं, कौन कौन सा, तो पहला होता है कालवाचक, कालवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा है स्थानवाचक, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। और तीसरा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। और चौथा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ये क्या है, ये क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो चार भेद होते हैं, कौन कौन से, पहला होता है कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा होता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा होता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण और चौथा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे पानी शब्द का वचन क्या होगा, पानी शब्द का वचन क्या होगा हमको बताना है। तो ऑप्शन ए एक वचन, ऑप्शन बी है सदा एक वचन, ऑप्शन सी है बहुवचन और ऑप्शन ए सदा बहुवचन। ठीक है, तो पानी शब्द का प्रयोग किस में किया जाता है,
तो पानी शब्द का प्रयोग हमेशा क्या है, सदा एक वचन में किया जाता है। ठीक है, पानी शब्द का प्रयोग सदा एक वचन में किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है विलोम शब्दों के अनुचित जोड़ों को पहचानिए। ठीक है, विलोम शब्दों के अनुचित जोड़ों को पहचानना है, तो ऑप्शन ए लभ्य अलभ्य, ऑप्शन बी है शेष अशेष, ऑप्शन बी है शिष्ट परिशिष्ट, और ऑप्शन डी है शीर्ष तल। तो इसमें हमको बताना है कि क्या है कि विलोम शब्द के जो अनुचित जोड़े हैं उसको हमको बताना है कि वो कौन सा होगा। तो कौन सा होगा, तो ये होगा शिष्ट और परिशिष्ट, ये क्या है, ये अनुचित जोड़ा है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि शिष्ट का क्या होगा विलोम शब्द, तो शिष्ट का परिशिष्ट नहीं होगा, शिष्ट का अशिष्ट होता है, अशिष्ट, शिष्ट का अशिष्ट होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है लिंग संबंधी अनुपयुक्त विकल्प निम्नलिखित में से कौन सा है। ठीक है, लिंग संबंधी अनुपयुक्त विकल्प कौन सा है हमको बताना है, तो ऑप्शन ए भगवान भगवती, ऑप्शन बी है विद्वान विदुषी, ऑप्शन सी है सम्राट सम्राज्ञी, और ऑप्शन ए कर्ता कर्ती। तो इसमें हमको बताना है कि लिंग संबंधी अनुपयुक्त विकल्प कौन सा है। तो लिंग संबंधी अनुपयुक्त विकल्प कौन सा होगा, तो ये होगा कर्ता कर्ती, ये क्या है लिंग संबंधी अनुपयुक्त विकल्प है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, कर्ता का कर्ती नहीं होता है। ठीक है, कर्ता का कर्ती नहीं होता है, कर्ता का क्या होता है, तो कर्ता का होता है कर्त्री, कर्त्री। ठीक है, ये होता है। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे वाक्य में कौन सा काल है। प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे वाक्य में कौन सा काल है हमको बताना है, तो ऑप्शन है सामान्य वर्तमान काल, ऑप्शन बी है सामान्य भविष्यत काल, ऑप्शन सी है सामान्य भूतकाल, और ऑप्शन डी है संभाव्य भविष्यत काल। तो प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे इसमें कौन सा काल है, तो प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे इसमें क्या है, इसमें सामान्य भविष्यत काल है। ठीक है, इसमें सामान्य भविष्यत काल है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, सामान्य भविष्यत काल किसे कहते हैं, तो आने वाले समय में कार्य व्यापार के क्या है सामान्य रूप से होने का बोध कराने वाली क्रिया के रूपांतरों को हम क्या बोलते हैं, सामान्य भविष्यत कहते हैं। ठीक है, सामान्य भविष्यत काल किसे कहते हैं, तो आने वाले समय में कर्ता व्यापार के सामान्य रूप से होने का बोध सामान्य रूप से होने का बोध होने का बोध होने का बोध कराने वाले क्रिया के रूपांतर को हम क्या बोलते हैं, होने होने वाले बोध बोध कराने वाले क्रिया के रूपांतर रूपांतर को सामान्य भविष्यत काल कहते हैं, सामान्य भविष्य काल कहते हैं। ठीक है, ये हो गया, जिससे क्रिया के सामान्य रूप से होने का बोध होता है, रूप से होने का बोध होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। सामान्य भूतकाल किसे कहते हैं, तो क्या होता है कि सामान्य भूतकाल जिससे बीते हुए समय में कार्य व्यापार के संपन्न होने की सूचना मिलती है उसमें हम क्या होता है, उसमें सामान्य भूतकाल होता है। संभाव्य भविष्यत काल क्या होता है, तो संभाव्य भविष्यत काल में क्या होता है कि क्रिया का वह रूप जिससे भविष्य में कार्य के होने की संभावना प्रकट हो उसे हम क्या बोलते हैं, संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। अगला है भ्रांतिमान अलंकार का उपयुक्त तो उदाहरण कौन सा है। ठीक है, भ्रांतिमान अलंकार का उपयुक्त तो उदाहरण हमको बताना है कि क्या होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए है ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती उनको जान, ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती उनको जान, ऑप्शन बी है वह टूटे तरु की छूटी लता सी दीन, ऑप्शन बी है मेरी भव बाधा हरो राधा नगरी सोए, ऑप्शन डी है सफरी से
चंचल घने मृग से पीन सुएन। तो भ्रांतिमान अलंकार हमको बताना है कि भ्रांतिमान अलंकार कौन सा होगा। तो इसमें क्या है कि ऊस बिंदु चुग रही हंसिनी मोती उनको जान, इसमें क्या है, इसमें भ्रांतिमान अलंकार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है, निम्नलिखित विकल्प में से दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द चुनिए। ठीक है, दाता शब्द का स्त्रीलिंग हमको बताना है कि क्या होगा। तो ऑप्शन ए है दताइन, ऑप्शन बी है दात्री, ऑप्शन सी है दात्री और ऑप्शन डी है दाती। तो दाता का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो इसमें क्या है कि दाता शब्द का स्त्रीलिंग होगा क्या है, दात्री, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में से अनुचित जोड़ा को छाटिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए है यहाँ पे सूती नहीं है, यहाँ पे तूती है। ठीक है, तूती बोलना, विरक्ति होना। ऑप्शन बी है डंके की चोट पर स्पष्ट शब्दों में, ऑप्शन बी है ढेर करना हरा देना और ऑप्शन डी है जहर की पुड़िया धोखेबाज। तो इसमें अनुचित जोड़ा कौन सा होगा, तो इसमें अनुचित जोड़ा होगा ऑप्शन नंबर ए तूती बोलना अभिव्यक्ति होना, ये क्या है, ये अनुचित जोड़ा है। अगला है, मन यहाँ पे खाली स्थान है तो कटौती में यहाँ पे खाली स्थान है, सही विकल्प चुनकर इस मुहावरे को पूर्ण कीजिए। ठीक है, ओ क्या होगा, तो यहाँ पे होगा कि मन मन चंगा तो कटौती में गंगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन बी है सुमित्रानंद पंत, ऑप्शन सी है जयशंकर प्रसाद और ऑप्शन डी है महादेवी वर्मा। तो प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, तो प्रकृति की सुकुमार कवि किसे, तो यह सुमित्रानंद पंत जी को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है, मुकुल निम्नलिखित में से किस शब्द का समानार्थी है। मुकुल निम्नलिखित में से किस शब्द का समानार्थी है बताना है, तो ऑप्शन है कली, ऑप्शन बी है कमल, ऑप्शन सी है मीन और ऑप्शन डी है कनक। तो क्या है मुकुल किस किसका समानार्थी शब्द है, तो ये कली का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है, निम्न वाक्यों में से विशेषण संबंधी वाक्य चुनिए। ठीक है, निम्न वाक्यों में से विशेषण संबंधी वाक्य हमको बताना है, तो ऑप्शन ए रमा अच्छी अच्छा गाती है, ऑप्शन बी है धीरे धीरे बोलो, ऑप्शन सी है आज वर्षा अधिक हुई और ऑप्शन डी है सुनयान अच्छा चित्र बनाती है। ऑप्शन डी है सुनैना अच्छा चित्र बनाती है। तो क्या होगा, इसमें विशेषण संबंधी वाक्य कौन सा है, तो इसमें है कि सुनैना अच्छा चित्र बनाती है, इसमें क्या है, इसमें विशेषण संबंधी वाक्य है। ठीक है, इसमें विशेषण क्या है, तो अच्छा चित्र क्या होगा, ये अच्छा चित्र है, ये वाक्य में क्या है, विशेषण है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है, दूर दूर तक विस्तृत था हिम स्तब्ध उसी के हृदय समान। दूर दूर तक तो, दूर दूर तक विस्तृत था हिम स्तब्ध उसी के हृदय समान में कौन सा अलंकार है, हमको बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार होगा। तो ऑप्शन ए संदेह, ऑप्शन बी मानवीकरण, ऑप्शन सी रूपक और ऑप्शन डी उपमा। तो इसमें क्या है कि इसमें क्या है, तो इसमें उपमा अलंकार है। ठीक है, इसमें क्या है, उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार क्यों है, तो यहाँ पे जो हृदय का हृदय, यहाँ पे जो हृदय की स्तब्धता, जो हृदय की स्तब्धता की तुलना किससे की जा रही है, तो इसकी तुलना दूर दूर तक फैले बर्फ से की जा रही है। यहाँ पे दूर दूर तक विस्तृत था ही, यानी दूर दूर तक फैले इसे, तो बर्फ से की जा रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे उपमा अलंकार होगा। ठीक है, उपमा अलंकार किसे कहते हैं, उपमा अलंकार किसे कहते हैं, तो क्या है कि जहां दो वस्तुओं के बीच समानता का अभाव व्यक्त किया जाता है, वहां क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। जहां दो वस्तुओं के बीच समानता का भाव, समानता का भाव क्या है, समानता का भाव व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जाता है, वहां पे क्या होता है, वहां उपमा अलंकार होता है, उपमा अलंकार होता है। ठीक है, रूपक अलंकार किसे कहते हैं, रूपक अलंकार किसे कहते हैं, तो जहां उपमेय पर उपमान का आरोप हो वहां, या उपमा और उपमेय का अभेद हो, वहां पे क्या होता है, रूपक अलंकार होता है।
जहां जहां उपमेय जहां उपमेय पर उपमान आरोप हो का आरोप हो आरोप हो या उपमान और उपमेय या उपमेय का अभेद हो का अभेद हो वहां क्या होगा, वहां वहां रूपक अलंकार होगा, रूपक अलंकार होगा। ठीक है, संदेह अलंकार किसे कहते हैं, चलिए लिखते हैं संदेह अलंकार। संदेह अलंकार किसे कहते हैं, तो संदेह अलंकार की जहां जहां किसी वस्तु को देखकर जहां किसी वस्तु को देखकर संशय संशय बना रहे वहां पे वहां वहां क्या होता है, वहां संदेह अलंकार होता है, संदेह अलंकार होता है। ठीक है, वहां क्या होता है, वहां संदेह अलंकार होता है। अगला है मानवीय अलंकार किसे कहते हैं, मानवीकरण मानवीकरण अलंकार किसे कहते हैं, मानवीकरण अलंकार किसे कहते हैं, चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो मानवीकरण अलंकार, मानवीकरण अलंकार जहां प्रकृति में उपादानों अथवा भावनाओं में मानवीय चेतना का आरोप हो वहां क्या होता है, वहां मानवीयकरण अलंकार होता है। ठीक है, चलिए इसको लिख देते हैं हम, जहां जहां प्रकृति के उपादानों अथवा उपादानों अथवा भावनाओं भावनाओं में मानवीय चेतना का आरोप किया जाता है, किया जाता है वहां वहां क्या होगा, मानवीकरण अलंकार होगा, अलंकार मानवीकरण अलंकार होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि हाड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है, हाड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है राजस्थानी राजस्थान, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है हरियाणा और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो हाड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है, तो ये राजस्थान में बोली जाती है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड है, तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड है, तो ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 4, अब 5 और ऑप्शन डी 12। तो तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड है, तो 7 कांड है। ठीक है, और 7 कांड है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कौन कौन से हैं, तो पहला है बाल कांड, दूसरा है अयोध्या कांड, तीसरा है अरण्य कांड, चौथा है किष्किंधा कांड,
स्किन द कांड, और पांचवा है सुंदर कांड, सुंदर कांड, छठा है लंका कांड, और सातवां है उत्तरकांड। ठीक है, यह है सात कांड है किसमें, तो रामचरित मानस में जो तुलसी दास जी द्वारा रचित है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य का चयन करें। ठीक है, अशुद्ध वाक्य बताना है किसमें, अशुद्ध वाक्य कौन सा है। तो ऑप्शन ए सोमवार, वह सोमवार को आएगा। ऑप्शन बी है वे भारत के भावी प्रधानमंत्री हैं। ऑप्शन सी है वह दंड देने योग्य है, और ऑप्शन डी है उसकी कमीज नहीं है। तो इसमें हमको अशुद्ध वाक्य बताना है। तो इसमें अशुद्ध वाक्य क्या होगा, तो इसमें अशुद्ध वाक्य होगा कि वह दंड देने योग्य है। वह दंड देने योग्य है, क्या ये अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप क्या होगा, तो वह दंड के योग्य है। वह दंड देने योग्य नहीं, वह दंड के योग्य है। अगर यहाँ पे के लग जाएगा तो ये क्या हो गया, ये शुद्ध बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है आधा तीतर आधा बटेर होना का अर्थ बताइए। ठीक है, आधा तीतर आधा बटेर होना का अर्थ बताना है। तो ऑप्शन ए रंग बिरंगा होना, ऑप्शन बी असंभव कार्य करना, ऑप्शन सी छोटा बड़ा होना, और ऑप्शन डी बेमेल तथा बेढंगा होना। तो आधा तीतर आधा बटेर होना, इसका अर्थ क्या होगा, तो इसका अर्थ होगा कि बेमेल और बेढंगा होना। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है निम्नलिखित विकल्पों में से रीति शब्द का बहुवचन कौन सा होगा। ठीक है, रीति शब्द का बहुवचन बताना है। तो ऑप्शन ए रीति, ऑप्शन बी रीतियां, ऑप्शन सी रीतियों, और ऑप्शन डी रीतियों। तो रीति शब्द का बहुवचन क्या होगा, तो रीति शब्द का बहुवचन होगा रीतियों, सॉरी रीतियों नहीं रीतियां होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, अगला है हनुमान ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के लिए होश लाए। हनुमान ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के लिए होश लाए, वाक्य में की गई त्रुटि का आधार पहचानिए। ठीक है, हम बताना है कि त्रुटि, जहाँ पे त्रुटि हुई है वहां पे क्या है, कैसा आधार है, मतलब किस प्रकार की त्रुटि है। तो ऑप्शन ए विशेषण, ऑप्शन बी कारक, ऑप्शन सी लिंग, और ऑप्शन डी वचन। तो क्या है कि यहाँ पे त्रुटि का आकार क्या है, तो यहाँ पे त्रुटि का आकार है क्या है, इस वाक्य में क्या है, कौन सी त्रुटि है, तो इस वाक्य में त्रुटि है इसमें, इसमें इसका सही रूप क्या होगा, तो इसका होगा हनुमान जी, हनुमान संजीवनी बूटी लक्ष्मण, हनुमान संजीवनी बूटी द्वारा लक्ष्मण को उसमें लाए। तो इसमें क्या होगा, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसमें होगा, इसमें क्या है, कारक रूपी क्या है, ये त्रुटि है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है पैसे से ही आदमी की इज्जत है के लिए निम्नलिखित में से उचित लोकोक्ति का चयन करें। पैसे से ही आदमी की इज्जत है, इसके लिए हमको उचित लोकोक्ति का चयन करना है। तो ऑप्शन ए होनहार बीरवान के होते चिकने पात, ऑप्शन बी है जैसे तेरी कामरी वैसे तेरे गीत, ऑप्शन सी है अपनी पगड़ी अपने हाथ, ऑप्शन डी है जर है तो नर नहीं तो जर है तो नर नहीं तो खंडर। तो पैसे से ही आदमी की इज्जत है, इसके लिए उचित लोकोक्ति क्या होगा, तो ये होगा कि पैसे से ही आदमी की इज्जत है के लिए क्या होगा, तो जन है तो नर नहीं तो खंडर। ठीक है, जर यहाँ पे जर नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, हाँ सॉरी यहाँ पे जर ही होगा, जर है तो नर नहीं तो खंडर। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण चुनिए। ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार का हमको उदाहरण बताना है। तो ऑप्शन ए मानो घर ना हो, मानो घर घर ना हो कोई चिड़िया घर हो, ऑप्शन बी है ये है सारस ओस की बूंद, या है मंजुला मोती, ऑप्शन डी उषा उदास आती है, और ऑप्शन डी है काली घटा का घमन करता। तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण बताना है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण क्या होगा, तो ये होगा कि मानो घर घर ना हो कोई क्या है चिड़ियाघर हो, इस पंक्ति में क्या है उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, मानो घर घर ना हो कोई चिड़ियाघर हो, इसमें क्या है उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं, तो उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है कि जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहां क्या होता है उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहां उपमेय में उपमान, उपमेय में उपमान की
संभावना संभावना की जाती है, वहां क्या होता है, वहां उत्तु परीक्षा अलंकार अलंकार होता है। ठीक है, वहां पे क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें क्या है कि उत्प्रेक्षा अलंकार में मानो जानो मानो जानो जनु मनु आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है, आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला है वर्तनी है कि दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन करें। ठीक है, अशुद्ध शब्द हमको बताना है कि इसमें अशुद्ध शब्द कौन है। तो ऑप्शन ए है परमार्थ, ऑप्शन बी है आशीर्वाद, ऑप्शन सी है महर्षि और ऑप्शन डी है सूर्योदय। तो इसमें अशुद्ध शब्द कौन सा है हमको बताना है। तो इसमें क्या है कि परमार्थ क्या है, ये अशुद्ध शब्द है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसका शुद्ध क्या होगा, तो इसका शुद्ध शब्द होगा परमार्थ होगा, परमार्थ ये इसका शुद्ध रूप है। ठीक है, अगला है भारत भारती पुरस्कार इनमें से किसको सबसे पहले मिला है। भारत भारती पुरस्कार इनमें से किसको सबसे पहले मिला है। तो ऑप्शन ए राम कुमार वर्मा, ऑप्शन बी है माधवी वर्मा, ऑप्शन सी अज्ञा और ऑप्शन डी है जैनेन्द्र। तो भारत भारती पुरस्कार इसमें से किसको सबसे पहले मिला है वो बताना है। तो किसको मिला है, तो सबसे पहले माधवी वर्मा को मिला है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कब मिला है, तो ये 1982 में मिला था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला निम्न शब्दों में से सही शब्द का चयन करना है। ठीक है, सही शब्द का चयन करना है। तो ऑप्शन ए है मृदुल, ऑप्शन बी है मृदुल, ऑप्शन सी है मृदुर और ऑप्शन डी है मृदुल। तो इसमें सही शब्द हमको बताना है कि मृदुल वर्तनीय रूप से शुद्ध कैसे लिखा जाता है। तो मृदुल कैसे शुद्ध लिखा जाता है, तो ये होगा मृदुल द पे छोटा की मात्रा होता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, अगला है आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है। आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है। तो ऑप्शन ए शंकर शेष, ऑप्शन बी है नरेश मेहता, ऑप्शन सी है मोहन राकेश और ऑप्शन डी है निर्मल वर्मा। तो आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है, तो आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है, तो ये मोहन राकेश की रचना है, मोहन राकेश की रचना है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है निम्नलिखित में से समानार्थी शब्द का कौन सा जोड़ी सही नहीं है। ठीक है, हमको बताना है कि समानार्थी शब्द का कौन सा जोड़ी सही नहीं है। तो ऑप्शन ए है दांत दंत रतन, ऑप्शन बी है चांद राकेश शशि, ऑप्शन बी है झंडा ध्वज पताका, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है यहाँ पे ऑप्शन डी है कमल अंबु आप। तो इसमें समानार्थी शब्द का कौन सा जोड़ी सही नहीं है, तो कौन नहीं है इसमें, तो ये है कम्बल अम्बुद और आप, ये क्या है, ये सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, इसमें क्या है कि इसमें दिए गए शब्द युग्म में कमल अम्बुद आब युग्म सही नहीं है, क्योंकि इसमें जल के समानार्थी शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इसमें जल के समानार्थी शब्द का प्रयोग किया गया है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है मुहावरे के भावार्थ की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है। ठीक है, मुहावरे के भावार्थ की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है वो बताना है। तो ऑप्शन ए बाल की खाल निकालना, बहुत परिश्रम करना, ऑप्शन बी है कलेजा ठंडा होना, शांति या संतोष प्राप्त होना, ऑप्शन सी है कमर कसना अच्छी तरह तैयार होना और ऑप्शन डी है फटेहाल होना बहुत गरीब होना। तो कौन सा इसमें क्या है मुहावरा जिसके भावार्थ की दृष्टि से क्या है वो विकल्प सही नहीं है। तो कौन सा होगा इसमें, होगा कि मुहावरे के भावार्थ की दृष्टि से क्या है, बाल की खाल निकालना क्या है, ये सही नहीं है। बाल की खाल निकालना ये क्या है, सही नहीं है। इसका बहुत परिश्रम करना ये नहीं होगा, क्या होगा, तो बहुत छानबीन करना, बहुत छान बीन करना, ये क्या होगा, ये इस मुहावरे का अर्थ होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है नीचे दिए गए मुहावरे का अर्थ बताइए। दाग लगना इस मुहावरे का अर्थ बताना है। तो ऑप्शन ए स्पष्ट कहना, ऑप्शन बी कलंक लगना, ऑप्शन सी बहुत रोलाना और ऑप्शन डी हर संभव कष्ट देना। तो दाग लगना इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो दाग लगना इस मुहावरे का अर्थ होगा कलंक लगना। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वकिया का विलोमार्थी है। किया का विलोमार्थी हमको बताना है। तो ऑप्शन ए नायिका, ऑप्शन बी है ग्राम्य, ऑप्शन सी है नागरिक और ऑप्शन डी है परकिया। तो स्व किया विलोमार्थी शब्द
स्वकीय का हमको विलोमार्थी शब्द बताना है। तो स्वकीय का विलोमार्थी क्या होगा, तो परकीय होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है, सर्वनाम के उचित रूप से रिक्त स्थान की पूर्ति करें। यहाँ पे खाली स्थान है, चाबी खो गई, ठीक है, हमको बताना है कि मैं का क्या है, कौन सा सर्वनाम रूप होगा जो यहाँ पे क्या होगा, रिक्त स्थान की पूर्ति करेगा। तो ऑप्शन ए अपना, ऑप्शन बी अपनी, ऑप्शन सी है मेरा, ऑप्शन सी है मेरा, और ऑप्शन डी है, सॉरी ऑप्शन सी है मेरी और ऑप्शन डी है मेरा। तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे होगा कि मेरी चाबी खो गई, मेरी चाबी खो गई है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है कि मौत का पर्यायवाची शब्द लिखिए, ठीक है, मौत मौत का पर्यायवाची शब्द हमको बताना है कि कौन सा होगा। तो ऑप्शन ए निर्धन, ऑप्शन ए है निधन, ऑप्शन बी है निदान, ऑप्शन सी है निर्धन और ऑप्शन डी है निर्धनता। तो मौत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो मौत का पर्यायवाची शब्द होगा निधन, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है, निर्देशानुसार वाक्य को पूरा कीजिए, ठीक है, जोकर को देखकर सभी बच्चे खाली स्थान है हंस पड़े, ठीक है, यहाँ पे क्रिया विशेषण हमको बताना है कि क्या क्रिया विशेषण यहाँ पे भरा जाएगा। तो ऑप्शन ए खिलखिलाकर, ऑप्शन बी है शोकपूर्वक होकर, और ऑप्शन ए सिर हिलाकर, और ऑप्शन ए शांतिपूर्वक। तो जोकर को देखकर सभी बच्चे क्या हो गए, खिलखिलाकर हंस पड़े, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए भरा जाएगा, ठीक है। अगला है, निर्देशानुसार वाक्य को पूरा कीजिए, 90% से अधिक अंक लाकर तुमने तो कमाल कर दिया। इसमें हमको बताना है कि कौन सा विस्मयादि बोधक इसके आगे जोड़ा जाएगा कि ये वाक्य पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे है कि अरे वाह, ऑप्शन बी है हाय हाय, और ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी यहाँ पे छूट गया है, हम इसको लिख देते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन सी होगा छी 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 छी, और ऑप्शन डी है आहा। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा कि 90% से अधिक अंक लाकर तुमने तो कमाल कर दिया। तो इसमें कौन सा विस्मयादि बोधक शब्द क्या है जो आगे लगेगा, जिससे ये क्या होगा, वाक्य पूर्ण होगा, पूरा होगा। तो क्या होगा, तो यहाँ पे होगा अरे वाह, अरे वाह, 90% से अधिक अंक लाकर तुमने तो कमाल कर दिया, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है, उसने नया साल खरीदा वाक्य में कौन सा विशेषण है, उसने नया साल खरीदा वाक्य में कौन सा विशेषण है हमको बताना है। तो ऑप्शन ए संख्यावाचक, ऑप्शन बी है गुणवाचक, ऑप्शन सी है परिमाणवाचक, और ऑप्शन डी है संकेतवाचक। तो उसने नया साल खरीदा, इसमें क्या है, इसमें कौन सा विशेषण है, तो उसने नया साल खरीदा, इसमें क्या है, इसमें गुणवाचक विशेषण है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है, खून के घूंट पीकर रह जाना मुहावरे का अर्थ है, खून के घूंट पीकर रह जाना मुहावरे का अर्थ बताना है। तो ऑप्शन ए अत्यधिक खून बहना है, ऑप्शन सी है, सॉरी ऑप्शन बी है समासी समास, ऑप्शन सी है सामिस होना, और ऑप्शन ऑप्शन बी है शामिल होना, ऑप्शन सी है अत्यधिक क्रोध करना, और ऑप्शन डी है विश्व व्यवस्था के कारण क्रोध रोक लेना। तो खून के घूंट पी कर रह जाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो इसका अर्थ होगा कि व्यवस्था के कारण क्रोध रोक लेना, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है, अगला निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक है, ठीक है, अपादान कारक आपको बताना है कि किस वाक्य में। तो ऑप्शन है वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, ऑप्शन बी वह भूख से बेचैन है, ऑप्शन सी है लड़का पेड़ से गिरा, और ऑप्शन डी है साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है। तो इसमें अपादान कारक बताना है, तो अपादान कारक क्या होता है, चिन्ह क्या होता है, तो अपादान कारक यानी से का प्रयोग किस लिए होता है, तो अलगाव की स्थिति में होता है, अलगाव की स्थिति में होता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसमें होगा कि लड़का पेड़ से गिरता है, ये क्या है, लड़का पेड़ से गिर रहा है, यानी लड़का पेड़ से अलग हो रहा है, नीचे गिर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से राजपुत्र शब्द में कौन सा समास है, राजपुत्र शब्द में कौन सा समास है हमको बताना है, ठीक है, राजपुत्र शब्द में कौन सा समास है। तो ऑप्शन ए अव्ययी भाव, ऑप्शन बी कर्म तत्पुरुष, ऑप्शन सी संप्रदान तत्पुरुष, और ऑप्शन डी है संबंध तत्पुरुष। तो राजपुत का अगर समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, तो ये होगा राजा का पुत्र। तो यहाँ पे का है, तो का किसका है, तो ये कौन सा समास होगा, तो ये होगा क्या है, संबंध तत्पुरुष। का क्या है, तो संबंध तत्पुरुष में क्या होता है कि का के की रे री, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है, उमेश शब्द में कौन सी संधि है, उमेश शब्द में कौन सी संधि हमको बताना है। तो ऑप्शन ए दीर्घ संधि, ऑप्शन बी है व्यंजन संधि, ऑप्शन सी है गुण संधि, और ऑप्शन डी है यण संधि। तो
उमेश का संधि क्या होगा, तो उमेश का संधि होगा उमा प्लस ईश, ठीक है, उमा प्लस ईश होगा। इसमें क्या है कि आ और ई मिलके क्या बन रहा है, आ और ई मिलके ए बन रहा है, तो ये कौन सी संधि हो जाएगी, तो ये गुण संधि हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है कृतज्ञ, कृतज्ञ का विलोमार्थी शब्द है, कृतज्ञ का विलोमार्थी, तो ऑप्शन ए कृतघ्न, ऑप्शन बी कृतघ्न, यहाँ पे दो एक ही समान हो गया है, इसको हम सही करते हैं। ये एक में घ है और एक में यहाँ पे कृतघ्न, कृतघ्न, और ऑप्शन डी है कर्तघ्न और कृतघ्न, तो इसमें कृतज्ञ का विलोमार्थी क्या होगा, तो कृतज्ञ का विलोमार्थी होगा कृतघ्न, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है निम्नलिखित, निम्नांकित में कौन सा वाक्य सही है, ठीक है, कौन सा वाक्य सही है उसको बताना है, तो ऑप्शन ए है मुझे घर जाने की जल्दी है, ऑप्शन बी है मुझको घर जाने की जल्दी है, और ऑप्शन सी है मुझे घर को जाने की जल्दी है, और ऑप्शन डी है मेरे को घर जाने की जल्दी है, तो इसमें सही वाक्य कौन सा होगा हमको बताना है, तो कौन सा सही होगा, तो मुझे घर जाने की जल्दी है, मुझे घर जाने की जल्दी है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संयुक्त तो वाक्य नहीं है, ठीक है, संयुक्त तो वाक्य नहीं है वो बताना है, तो ऑप्शन ए है राम गया लेकिन सीता आ गई, ऑप्शन बी है सौरभ मोहन को मूर्ख बना रहा है, ऑप्शन सी है गिलास हाथ से गिरा और टूट गया, ऑप्शन डी है मुझे जयपुर जाना था इसलिए सुबह उठना पड़ा, तो इसमें संयुक्त वाक्य कौन नहीं है आपको बताना है, तो कौन नहीं है, तो सौरभ मोहन को मूर्ख बनाता है, सौरभ मोहन को मूर्ख बनाता है, ये क्या है, ये संयुक्त वाक्य नहीं है, ठीक है। संयुक्त वाक्य में क्या होता है कि संयुक्त वाक्य में दो प्रधान वाक्य क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय मतलब समुच्चय बोधक अव्यय कौन सा होता है, तो समुच्चय बोधक अव्यय होता है कौन कौन सा, तो और इसलिए, और इसलिए तथा तथा आदि से जुड़े होते हैं, क्या है संयुक्त वाक्य में क्या है कि संयुक्त वाक्य में दो प्रधान वाक्य समुच्चय बोधक अव्यय, ठीक है, से आपस में जुड़े होते हैं, तो समुच्चय बोधक अव्यय क्या होता है, तो और इसलिए तथा आदि, ये सब क्या है, ये सब समुच्चय बोधक अव्यय है, ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला है निम्नांकित में कौन सा शुद्ध वाक्य है, ठीक है, शुद्ध वाक्य बताना है, तो अनुग्रहित हमको बताना है कि कैसे अनुग्रहित लिखा जाता है, ठीक है, तो इसमें अनुग्रहित कैसे लिखा जाता है, तो ये होगा अनुग्रहित, ठीक है, अनु ग्रेट, ये शुद्ध वाक्य है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम, अगला है जिसमें शांति न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए, जिसमें शांति न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है, तो ऑप्शन ए नशक्त, ऑप्शन बी आसक्त, ऑप्शन सी असक्त और ऑप्शन डी नाशक्त, तो जिसमें शक्ति ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, तो जिसमें शक्ति ना हो उसके क्या होगा, तो वो होगा असक्त, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है जनता द्वारा चलाया जाने वाला राज्य वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए, जनता द्वारा चलाया जाने वाला राज्य वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखना है, तो ऑप्शन ए जनता तंत्र, ऑप्शन बी है जनतंत्र, ऑप्शन सी है मानव तंत्र और ऑप्शन डी है राजतंत्र, तो जनता द्वारा चलाया जाने वाला राज्य क्या होगा, तो जनता द्वारा चलाया जाने वाला राज्य उसको कहते हैं हम जनतंत्र, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है निम्नलिखित में से दिगंबर शब्द का सही संधि विच्छेद है, ठीक है, दिगंबर का सही संधि विच्छेद हमको बताना है, तो दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो दिगंबर का सही संधि विच्छेद होगा दिक प्लस अंबर, कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो दिक प्लस अंबर ऑप्शन नंबर भी सही होगा, ठीक है, इसमें क्या है, तो इसमें व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, अगला है गायत्री गीत गाती है यह हवा के सामान्य भूतकाल में होगा, गायत्री गीत गाती है यह हवा के सामान्य भूतकाल में क्या होगा हमको बताना है, तो ऑप्शन ए गायत्री ने गीत गाया, ऑप्शन बी है गायत्री ने गीत गाती थी, ऑप्शन सी है गायत्री गीत गाई थी और ऑप्शन डी है गायत्री गीत गाए, तो इस क्या है गायत्री गीत गाती है इसको हमको सामान्य भूतकाल बताना है कि सामान्य भूतकाल क्या होगा,
गायत्री गीत गाती है, इसका सामान्य भूतकाल क्या होगा? तो इसका सामान्य भूतकाल होगा गायत्री ने गीत गाया, गायत्री ने गीत गाया, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।